मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ नदी। दोस्तों आपको बता दें, जब से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तमाम जो बीआरएस के बड़े लीडर, छोटे लीडर, कॉरपोरेटर, एमएलए या सांसद हैं, वो ज़्यादातर बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में 30 साल 40 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो लोग बीआरएस छोड़कर अब कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, रेवंत रेड्डी जी से हम अपील करते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन ना करें, क्योंकि हम लोग 30 साल और 40 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस को लगातार, उनको टिकट दिया जाए। तो बहुत सारे लोग हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, उन लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं और मुतालबा क्या है आपका? भाई लिंगाला जगदीश रेड्डी, जनगाम डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एक्स ZPTC हूँ। मैं 2000 से कांग्रेस में काम कर रहे, एक बार ZPTC भी हो गया था जी। उस टाइम पे 2009 में डॉक्टर राजा बोल के कांग्रेस से जीता, वो दो साल में उन्हें कांग्रेस छोड़ के BRS में चले गए। 2011 में उन्हें चले गए। 2011 से आज तक 2024 तक 13 साल से हम BRS से लड़ रहे हैं। BRS में राजा डिप्टी CM काम करा, और उसके बाद राजा को कड़ियांसियारी निकाल के उन्होंने डिप्टी CM बना। उन्होंने भी अभी 13 साल से सेशन गनपुर पे ही है। हम उनसे लड़ रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में अपने कैंडिडेट नहीं था, दो इलेक्शन में इंदिरा बोल के आया, उन्होंने अच्छा काम करा, एक 30-40 लाख खर्च करे, मगर लास्ट टाइम हार गए। उन्होंने 5,000-3,000 वोट से हार गए। अभी वो जो है खड़ियम श्रीहरी, कल दीपादास मुंशी से मिलकर कांग्रेस में आने के लिए कोशिश कर रहा। इधर आए सो कांग्रेस वाला पूरा अपने को 95,000 वोट्स आया उधर सेशन गनपुर में। वो सब लोग कर रहे खड़ियम श्रीहरी को नया आने देना कांग्रेस में। अभी 13 साल से हम लड़ रहे बीआरएस से, फिर इधर का ही को आना उन्होंने अच्छा 13 साल से, और वो लगातार इससे पहले वो बीआरएस में थे, बीआरएस में था। हाँ। पहले तेलुगुदेशम का मंत्री का काम करा, दो बार बीआरएस में, एक बार मिनिस्टर बन गए, डिप्टी CM बन गए। हाँ। पूरा 15-16 साल मिनिस्टर करा उन्होंने। अब फिर वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं। उसके साथ उसका बेटी को अभी कांग्रेस में ला के MP का टिकट दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें कांग्रेस में दो है, वो कड़ियन श्रीहरी माला कम्युनिटी से आया, इधर सब लोग माजिगा कम्युनिटी का है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख माजिगा कम्युनिटी का वोट्स है, माला कम्युनिटी का केवल 10,000 वोट है। किसको देना वोट, किसको टिकट देना? माजिगा कम्युनिटी को टिकट देना। अभी सबको छोड़ के माला कम्युनिटी को टिकट दे रहा, जिसका 10,000 वोट है, जिसका 10,000 वोट है। और स्टेट में अभी दो टिकट माला को दिया, ये तीसरा है रिजर्वेशन का, वो भी माला को दे रहा है। तो आप लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? कर रहे हैं। उनको नया आने देना पहले। अभी 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है वरंगल में, 6 कांग्रेस जीता, ये एक ही 5-3,000 से हार गए। हम 3,000 से अभी उसको 30,000 मेजोरिटी देंगे MP सीट में। हाँ। वो पक्का पक्का। हाँ, कई को लेना उसको इधर, क्या है कैसे वास्तव लेना? उन आए तो अपने वोट नहीं बढ़ता, अभी वोट कम आ जाता, कांग्रेस वाला उसको वोट नहीं डालता। साफ सीधा बोल रहा हूँ मैं, रेवंत रेड्डी साहब को, कांग्रेस पार्टी को, सबको बोल रहा हूँ, कांग्रेस वाला नहीं डालता उसको टिकट दिए तो। उन्हें से हम लड़ रहे 15 साल से, उसको टिकट दिए तो हमने केयर करता क्या? उन्होंने उसका आदमी को ऊपर लेकर दे, अपने को पूजा नीचे कर देता। सही, इसके वास्ते टिकट नहीं देना। अगर वो लोग टिकट, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती, फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप कुछ नहीं, हम पहले ही बोल रहे टिकट नहीं देना। हम कांग्रेसवादी है पूरा, कांग्रेस के साथ ही रहेगा, मगर उसको टिकट नहीं देना। जिसमें जो लोग है उसको टिकट दे, जो लोग 40 साल 50 साल 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, टिकट उनको देना, उनको देना। अभी आए तो सबको, BRS से आए तो टिकट दे दे, फिर कहीं को BRS को कांग्रेस को क्या डिफरेंस है? जो काम वो KCR कर रहा, अभी रेवंत रेड्डी साहब भी वही काम कर रहा। प्रजल सब बोल रहे हैं क्या है उसको, उसको डिफरेंस नहीं है। उन्होंने सबको खींच लिया कांग्रेस वाले को, अभी रेवंत रेड्डी साहब भी खींच ले रहे। उसका अपना मनोभाव क्या होगा, हम क्या करना? हम 30 साल से लड़ रहे कांग्रेस में,
हमारे कुछ नहीं है, हमारा पूरा चलेगा, सब लोग बेकार हो जा रहे हैं। कल कुछ पुलिस स्टेशन में काम नहीं कर रहा, MRO ऑफिस में काम नहीं चल रहा, अभी आके उन्होंने भी अपने को पूरा दबा दे, पूरा एनकाउंटर भी हमारे लोगों को एनकाउंटर करा के साफ कर दिया। एक साहू जैना को ऐसी कांग्रेस वाले को वो नक्सलेट बोल के साफ कर दिए। ये रेवंत रेड्डी साहब ही गनपुर में बोला, गनपुर मीटिंग में बोला, लेकिन वो खुद अमल नहीं कर रहे हैं, खुद अमल नहीं कर रहे, उसको नहीं लेना बोल के हमारा विनती है। आपका जो है उसको अगर इसको पार्टी में लिए तो उसका बेटी को टिकट नहीं देना। किसकी बेटी को? श्रीहरि का बेटी को टिकट नहीं देना, कांग्रेस वाले को दे, कांग्रेस वाले नहीं तो श्रीहरि को दे के कांग्रेस वाले को उधर कड़ा के MLA बनाओ। हाँ। हमें कैसे तो भी जीतता। हाँ। हमारा इंदिरा जी का टिकट दो, नहीं तो कांग्रेस इंदिरा जी को नहीं तो कुछ अब अगले को दे, मगर उसको नहीं देना। उनकी बेटी को टिकट दे दिया, क्या उसके बाद भी आप लोग पार्टी में रहेंगे, आप लोग पार्टी छोड़ देंगे? MP इलेक्शन में 1,20,000 वोट आएंगे गनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो खड़ियंशियरी आने से कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होता। वो बोल रहा अभी वो वोट पूरा BJP की जाता, कांग्रेस का वोट भी खड़ियंशियरी की कौन भी नहीं डालता, पूरा एंटी कर रहा। इसके वास्ते खड़ियंशियरी को कांग्रेस में नया आने देना। रेवंत रेड्डी साहब को होना बोले तो हमारा स्टेशन गनपुर से 1,25,000 वोट दिलाएंगे, वो अपना गारंटी है, नहीं तो हम इधर गांधी भवन ही नहीं आते। वो बोल रहा हूँ ये सच है, आपका रिकॉर्ड रख लो, इलेक्शन के बाद आता June 5th को मैं आता हूँ इधर, आपको दिखाना, ये रेवंत रेड्डी साहब को भेज दो, उसमें नया नहीं देना। अपना कार्यकर्ता जो है 10 साल से उससे लड़ रहे, उन्होंने आके अभी क्या करता, उसका काम उसका कार्यकर्ता को अच्छा कर देता, अपन पूरा बेकार हो जाता इधर। कांग्रेस अभी आया, प्रजा पालना चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको खराब नहीं करना बोल के रेवंत रेड्डी साहब को सबको बोल दे रहा हूँ, दीपदासी मुंशी भी बोल रहा हूँ, सबको बड़े बड़े नेताओं को बोल रहे। ये मैं जनगाम डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है, मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ, किसी पार्टी की नहीं गया, ये पूरा ISO वाला प्योर कांग्रेसवादी है। इसके वास्ते सबको हमारा विनती है, खड़ियंशियरि को पार्टी में नया आना देना, ठीक है? बहुत मेहनत से है, मुश्किल है उससे हमारे को, हम टेजंगनपुर कांस्टिट्यूंसी से है, जनगाम जिला लिंगानपुर मंडल से हूँ मैं, माइनॉरिटी सेल मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। हमारा जो क्या है बोल दो, पहले से भी दूसरा छोटा कार्यकर्ता भी पोजिशन में गए तो हमारे छोटे छोटे केस हम करके माने लगा रहा था, वो खड़ियंशियरि लेकर के फिर के कुर्सी पे बिठा रहे हमारे को, 3,000 वोटों से हार गए हम खाली, तो 3,000 वोटर हम 1,30,000 भी जिता सकते मैडम को मेजॉरिटी दे के। हमारे एक करना होगा चाह रहे रेवंत रेड्डी से, उसको अंदर कांग्रेस में नहीं आना होगा चाह रहे। आप लोग ये चाहते हैं कि वो लोग कांग्रेस में आए जो BRS में है? हाँ BRS में है वो, खड़ियंशियरि बोलते सुनो BRS में है, MLA सीट से जीता है उन्हें, हमारे ऊपर मैडम के ऊपर जीता है, 3,000 वोट से जीता खाली केवल हम, उससे बहुत मुसीबत है। हम रेवंत रेड्डी सर को एक ही बोल रहे हैं, हमारे पार्टी में नहीं आना देना उसे बोल के। ठीक है भाई, शुक्रिया।